हेलो फ्रेंड, मैं एक्सपर्ट बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों की आज फिर जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई दी इमेज, कि आपको एक इमेज दी गई है, उस इमेज को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये इमेज है इसको किस नाम से आप जानते हो, तो इमेज को आइडेंटिफाई करें, इमेज कौन सी है। अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, की इमेज कौन सी है। अपना राइट आंसर कमेंट करें कि इमेज कौन सी है, बताइए। तो इमेज का नाम क्या है, क्रंच। इमेज का नाम है क्रंच। तो आज ही क्लास के अंदर सिर्फ मैं और क्रंच के बारे में बताऊं आपको। इसके अंदर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर से अपन सॉल्व करेंगे। तो आपको इमेज तो पता चल गई होगी इमेज की चीज की है, क्रंच की है। अभी मेज के बारे में अपन और चीजें पढ़ लेते हैं कि क्रंच से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, कि क्रंच एक्सिलरी पैड शुड प्लेस 2 to 3 फिंगर बिलो द एक्सिला। जो क्रंच होता है उसका जो एक्सिलरी पैड होता है ना, उसको आप एक्सिला से 2 से 3 फिंगर नीचे रखोगे। अभी पहली बात तो ये एक्सिलरी पैड कौन सा होता है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, इसका एक्सिलरी पेड है। ये एरिया क्या है, एक्सिलरी पेड है। इसको आप कहाँ रखोगे, जो अपनी एक्सिला है उसको एकदम ऐसे नहीं रखोगे, इसको 2 से 3 फिंगर नीचे यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे इसको, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी शुड बी प्लेस ऑन द पाल्म ऑफ हैंड। कि जो पहली बात तो आप इसको कहाँ रखोगे, एक्सिला से 2 से 3 फिंगर नीचे रखोगे। दूसरी बात, जो वेट रहेगा वो पाल्म ऑफ हैंड पे रहेगा। पाल्म ऑफ हैंड का मतलब क्या है, देखो जो हैंड ग्रिप एरिया होता है इसका, ये वाला एरिया है हैंड ग्रिप एरिया, वेट आपको यहाँ रखना। तो इसको जब पकड़ो तो आपको इसको तो एक्सिला से 2-3 इंच नीचे, सॉरी 2-3 फिंगर नीचे, और जो हैंडल रहेगा आपका, जो ये एरिया रहता है यहाँ, ये एरिया बॉडी का वेट आपको इसके ऊपर रखना। आई बात समझ में। दूसरी बात करें, नेवर नर्व फ्लेक्सेस, सॉरी नियर प्लेस ऑफ द एक्सिला बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ब्रेकियल डैमेज। जो आप अगर इसको क्या करोगे, आप इनको जो एक्सिलरी प्लेट, इसका एक्सिलरी पेड है, उसको क्या करोगे, एक्सिला के अंदर अगर इसको प्लेस करोगे, तो अगर एक्सिला के अंदर इसको प्लेस करोगे तो जो ब्रेकियल फ्लेक्सेस होते हैं वो डैमेज होने का चांस रहता है। वहां पर भी कौन सी, जो रेडियल नर्व होती है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको, क्रैचेस तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्रेचेस का जो एक्सिला वाला पार्ट होता है, मैं इमेज पे ले चलता हूं आपको। जो क्रेचेस है ये इसका एक्सिला वाला पार्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सिला वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो अपनी एक्सिला होती है ना, एक्सिला उसे 2 से 3 फिंगर नीचे की तरफ रखना है। आई बात समझ में, उसको 2 से 3 फिंगर नीचे की तरफ रखना है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी, आपका जो बॉडी का वेट रहेगा, जो पाल वाला एरिया होता है या जो हैंड ग्रिप वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आप क्या करोगे, बॉडी का वेट करोगे, ठीक है। उसको ऐसे रखा तो यहाँ रखोगे, जो वेट रहेगा बॉडी का वो हैंड वाले एरिया पे रहेगा। आई बात समझ में, ओके। दूसरा, अगर आप इसको यहाँ रख लेते हो, एक्सिला के अंदर रख लेते हो, क्या नुकसान है, जो ब्रेकियल फ्लेक्सेस है वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें भी कौन सा, जो आपकी रेडियल आर्टरी है वो डैमेज हो सकती है। आई बात समझ में, ये यूज कब करते हैं, तो यूज करते हैं फ्रैक्चर में, यूज क्या करते हैं, फ्रैक्चर हो गया, एम्पुटेशन हो गया, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इनको यूज। आई बात समझ में यहां तक। अगला क्वेश्चन, ओके, अगली चीज क्या है, गेट। गेट का मतलब होता है चलना, ठीक है, द वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। अब आपने क्रेचेज यूज कर रहे हैं तो आप उनको यूज कैसे करोगे, उनको यूज करके चलोगे कैसे, वो बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 आपके तरीके होते हैं चलने के। पहला है 4-point gait। अब मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट अपन किसको बोल रहे हैं। तो अपन जो 4 पॉइंट होते हैं, जैसे अपन 4 पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे, तो पॉइंटों का मतलब बताता हूँ। पहले पॉइंट का मतलब हो गया, पॉइंट वो एरिया होता है जो जमीन को टच करते हैं, ठीक है। जैसे आपका इसका 1 पॉइंट ये हो गया,
2 पॉइंट ही हो गए सर, 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए, 2 पॉइंट और कहां, 2 पॉइंट आपके पैर हो गए, टोटल 4 पॉइंट हुए कि नहीं हुए। अरे इनको जैसे जैसे पकड़ोगे तो आपके 2 पॉइंट तो इनके दो नीचे जमीन पे टच होंगे, 2 आपके पैर भी तो टच होंगे ना, टोटल कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब हम बात करें 4 पॉइंट गेट की, अगर अपन बात करें ओके, तो 4 पॉइंट गेट के अंदर आप कैसे मूवमेंट करोगे, तो फर्स्ट क्या करोगे, अफेक्टेड साइड ऑफ क्रंच, मान लो ये मेरा राइट हैंड है, मेरा राइट लेग डैमेज है, आई बात समझे, मेरा राइट लेग क्या है, डैमेज है, तो क्या करूंगा, मैंने ऐसे क्रंच पकड़ रखे हैं, ठीक है, एक मेरा क्रंच इस साथ में, एक क्रंच मेरे साथ में, तो पहले मैं क्या करूंगा, 4 पॉइंट मूवमेंट में जो अफेक्टेड साइड वाला क्रंच है उसको आगे मूव कराऊंगा, ठीक है। हाँ भाई तुम्हें, हाँ एक और चीज, अब इनको जो क्रंच के आप आगे की तरफ जहाँ प्लेस करोगे, इनको प्लेस करने की लोकेशन क्या रहेगी, क्या ऐसे बॉडी के सामने करोगे या बॉडी से अवे करोगे, तो क्या करना है, बॉडी से 20 से 30 डिग्री एंगल आपको अवे करना है, अरे ऐसे दूर करोगे तभी तो आगे चल पाओगे, ऐसे सामने रख लोगे तो कैसे चलोगे आप, तो इसको बॉडी से दूर की तरफ रखना है, आई बात समझ में। तो पहला क्या है, अफेक्टेड साइड का क्रंच को क्या करोगे आप, आगे की तरफ मूव करोगे। दूसरा क्या करोगे, ये दूसरा अनअफेक्टेड साइड का लेग ले जाओगे, राइट पे डैमेज था, राइट साइड का क्रंच आगे किया, अब क्या करोगे, इधर भी क्रंच तो ही है, अब जो लेफ्ट साइड वाला पैर है उसको मैं आगे ले जाऊंगा, क्रंच को नहीं ले जाना, सिर्फ पैर को ले जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर अनअफेक्टेड साइड के क्रंच को ले जाना और फिर अफेक्टेड लेग को ले जाना, मैं चारों पॉइंट आपको एक साथ करके दिखाता हूं। करना क्या है, 4 पॉइंट अपन गेट की बात करें तो 4 पॉइंट गेट के अंदर पहले क्या करेंगे, ऐसे अपन अगर एक क्रंच पकड़ रखा है तो पहले अफेक्टेड साइड का क्रंच को आपने आगे किया, ठीक है, फिर अनअफेक्टेड साइड लेग को आपने आगे किया, फिर अनअफेक्टेड साइड क्रंच को आपने आगे किया, फिर आप जो आपका अफेक्टेड लेग है उसको आगे लेके आ दोगे, 4 पॉइंट हुए कि हुए, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, 4 पॉइंट गेट आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं 3 पॉइंट गेट। पहला क्वेश्चन तो यहाँ ऐसे बनता है, ये 3 पॉइंट गेट आप किस में यूज करते हो, तो ये पोजीशन जो ये गेट है, पोजीशन ही गेट है यानी चलने का तरीका है, ये अपन एम्पुटेशन वाले पेशेंट पे करते हैं, तो आपको एम्पुटेशन दिया गया हो तो अच्छी बात है, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट में करते हैं जिनका एक पैर है वो जमीन पे टच नहीं होता, एम्पुटेशन का मतलब तो सारे जानते हो, मतलब पैर को अगर आपने काट, कोई भी बॉडी पार्ट को काट दे तो एम्पुटेशन बोला जाता है, लेकिन अगर पैर का एम्पुटेशन हो गया तो उसमें अपन ये यूज करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट गेट में आप क्या करोगे, इसका मतलब इसके अंदर 3 पॉइंट है वो जमीन पे टच होंगे, तो फर्स्ट क्या करोगे, बोथ क्रंचेस मूव फॉरवर्ड, पहले क्या करोगे दोनों क्रंचेस को आप फॉरवर्ड मूव करोगे, ठीक है। दूसरा फिर अफेक्टेड लेग को जाओगे, फिर अनअफेक्टेड, जो अनअफेक्टेड लेग, सॉरी क्या करना है, देखो सुनो, क्रंच मैंने पहन रखे यानी सॉरी यूज कर रखे, मेरा राइट लेग है वो एम्पुटेटेड हो गया, राइट लेग क्या हो गया, एम्पुटेटेड हो गया, लेफ्ट लेग अभी मेरा सही है, राइट लेग एम्पुटेटेड हो गया यानी जमीन पर टच नहीं कर रहा है, तो मेरे पास कितने पॉइंट बचे, 3 बचे, 2 क्रंच के एक लेग का, अब मेरे को करना क्या है, दोनों क्रंच को आगे ले जाना है, फिर थोड़ा सा जो अफेक्टेड मेरा लेग है कुछ पार्ट तो बचा हुआ है उसको मेरे को आगे करना है, ठीक है, जमीन पे तो टच नहीं होगा लेकिन मेरे को उसको आगे करना है, फिर मेरा जो अनअफेक्टेड लेग होगा उसको मैं आगे करूंगा, तो ये होगा 3 पॉइंट गेट। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। आगे चलते हैं, आगे है 2 पॉइंट गेट, इसमें दो ही अपन मूवमेंट करेंगे, पहला क्या करेंगे, फर्स्ट अफेक्टेड साइड क्रंच एंड अनअफेक्टेड लेग मूव फॉरवर्ड, पहला क्या करेंगे, अफेक्टेड जो साइड है उसका क्रंच और अनअफेक्टेड लेग को अपन क्या करेंगे मूव करेंगे, राइट लेग डैमेज है तो अनअफेक्टेड साइड का क्रंच मैंने आगे किया और अनअफेक्टेड जो अफेक्टेड साइड का लेग मैंने आगे किया, फिर क्या करूंगा, सेकेंड अनअफेक्टेड साइड का क्रंच आगे करूंगा और अफेक्टेड साइड का लेग है वो आगे करूंगा, तो ऐसे करके मैं अपनी 2 जो पॉइंट है वो गेट अपन मूव कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।